हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना गैलरी आर्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक कार्टून पेंटिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया है, उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स किया है ताकि ब्लैक कलर थोड़ा सा लाइट हो सके। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँगी। मुझे जहाँ जहाँ ब्लैक यूज़ करना है पहले वो मैं क्लियर करूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट कलर यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ब्लैक कलर को बहुत कम ही क्वांटिटी में यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और बहुत डार्क दिखता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मैं एक न्यू कलर बनाना आपको सिखाऊंगी। अगर आपके पास वो कलर नहीं है तो आप उसको कैसे मिक्स करके वो कलर बना सकते हैं। यहाँ पे फाइन ब्रश का यूज़ किया है जिसका नंबर 4 है। आप 2, 3, 4 ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं सभी कलर के नाम और ब्रश के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। यहाँ पे मैं येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। कार्टून्स के ड्रेस के लिए मैंने रेड और वाइट कलर का यूज़ किया है। फेस के लिए मैंने लाइट पीच कलर का यूज़ किया है, इसको स्किन कलर भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप इस कलर को घर पे भी बना सकते हैं। लाइट पीच कलर या स्किन कलर बनाने के लिए आपको रेड, वाइट और येलो कलर को मिक्स करना है, जिससे आपका स्किन कलर तैयार हो जाएगा। आउटलाइन के लिए ब्लैक कलर का मैंने यूज़ किया है और इसमें फाइन ब्रश नंबर 1 का ब्रश मैंने यूज़ किया है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आ सके। आप इसे बच्चों के बेडशीट, पिलो कवर या कर्टन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के रूम डेकोर करने के लिए आप इसे कैनवास पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो
फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।